हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने वीवो T1X एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो अपने स्लो इंटरनेट की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके मोबाइल फ़ोन में भी जो है इंटरनेट अगर स्लो चल रहा है तो इसे आप सॉल्व कर सकते हैं कैसे। देखिए आपको कुछ प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ, वो आप फॉलो कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन को रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट कैसे करेंगे, मोबाइल फ़ोन के साइड में जो पावर बटन है इसे आप उंगली से दबा के रखेंगे तो आपकी स्क्रीन के सामने एक पेज ओपन होगा, ठीक है, छोटा सा इस तरीके का। इसमें आप ये रीस्टार्ट का नीचे ऑप्शन देख रहे हैं, रीस्टार्ट पर आप टैप करेंगे तो आपका मोबाइल फोन जो है ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद जो है ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। यहाँ पर जो है रीस्टार्ट करने से क्या होता है कि हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई छोटी मोटी कमी आ जाती है तो वो कमी दूर हो जाती है। जैसे कि हमारा मोबाइल फोन हैंग करता है, कॉलिंग की दिक्कत आती है, स्लो इंटरनेट की दिक्कत आती है, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है फोन को रीस्टार्ट करने से, ठीक है। फोन को सबसे पहले तो रीस्टार्ट करिए। इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको अपने मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको ये नीचे की साइड ऑप्शन मिलता है नेटवर्क एंड इंटरनेट का, इसे सेलेक्ट करना है। इसके अंदर आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलता है डेटा सेवर का, डेटा सेवर पे सेलेक्ट करना है। तो आपका ये ऑफ का ये बटन ऑफ होगा तो इसे चालू कर देना है, ये ऑन हो जाएगा बटन, ठीक है। डेटा सेवर आपको ऑन कर लेना है। अब दोस्तों इसके बाद आपको अगला काम करना क्या है कि यहाँ पर आपको जो है अपने मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को रीसेट कर देना है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग जो है प्रॉपरली ठीक तरीके से काम नहीं करती है, जिसकी वजह से हमारा मोबाइल फोन का इंटरनेट स्लो काम करता है, ठीक है। तो आप अपने मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को आप रीसेट कैसे करेंगे, इसके लिए आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको सबसे नीचे ये ऑप्शन मिलेगा सिस्टम का, इसे आपको टैप करना है। अब इसके अगले पेज में आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलता है रीसेट ऑप्शन, इसे टैप करना है। अब यहाँ पर आपको सबसे ऊपर ये ऑप्शन मिलेगा रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ का, इसे आपको टैप करना है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों आपका ये पेज ओपन होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों की तीनों आपकी मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग होती है। यहाँ पर लिखा हुआ वाईफाई मोबाइल डेटा ब्लूटूथ, आपको नीचे की साइड ये रीसेट सेटिंग के ऑप्शन पे टैप करना है। अब यहाँ पर आपने जो भी स्क्रीन लॉक अपने फोन पे लगा रखा है उसे आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। अब यहाँ पर आपका ये नेक्स्ट पेज ओपन होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ऊपर लिखा हुआ है रीसेट ऑल नेटवर्क सेटिंग, आपको नीचे की साइड ये रीसेट सेटिंग पे टैप करना है। तो आपका नीचे लिखा हुआ आ जाएगा नेटवर्क सेटिंग हैव बीन रीसेट, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ये नेटवर्क सेटिंग रीसेट हो जाएगी तो आपकी स्लो इंटरनेट की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद आपको अगला प्रोसेस यहाँ पे करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल फोन का यहाँ पे सॉफ्टवेयर चेक कर लेना है कि आपके मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेटेड है या नहीं है। कई बार जो है हमारे मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है लेकिन हम उसे जो है अपडेट नहीं करते हैं, जिसके वजह से जो है हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कुछ कमियां आने लग जाती है। तो आप चेक कैसे करेंगे आपका सॉफ्टवेयर अपडेट है या नहीं है, इसके लिए आपको मोबाइल फोन का सबसे पहले तो इंटरनेट चालू रखना है, ठीक है। इंटरनेट को चालू रखना है, इसके बाद आपको जो है यहाँ पर अपने मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको जो है ना नीचे की साइड ये ऑप्शन मिल जाएगा सिस्टम अपडेट का, सिस्टम अपडेट पर टैप करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपका सिस्टम अपडेट का पेज ओपन होगा। इस पेज में अगर आपको कोई भी अपडेट का ऑप्शन या बटन नजर आता है तो उसे आपको टैप करना है, जिससे आपका मोबाइल फोन का सिस्टम जो है वो अपडेट होने लग जाएगा। अपडेट होने में कम से कम 5 से 10 मिनट या आधा घंटा भी लग सकता है, लेकिन आपको सिस्टम अपडेट का प्रोसेस पूरा कंप्लीट होने देना है। जब आपका सिस्टम अपडेट पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आपकी स्लो इंटरनेट की समस्या खत्म हो जाएगी, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यहां पर दोस्तों अब इसके बाद आपको अगला प्रोसेस यहां पे करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज में आपको जो है ना नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलता है नेटवर्क एंड इंटरनेट का, इसे आपको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपका ये पेज ओपन होगा, इस पेज में आपको ये ऑप्शन मिलता है सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क का, सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क पे आपको इसे सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपका ये पेज ओपन होगा, इस पेज में आपको नीचे की साइड ये सिम वन सिम टू नजर आता है, इन दोनों में से आपको अपने सिम का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सिम को सिलेक्ट करेंगे तो इसके बाद आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलता है प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप का, प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप पर आपको इसे सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपका एक पेज ओपन होगा, इसमें आपको ऑप्शन मिलते हैं 2G 3G 4G 5G, ठीक है। अगर आपका फोन 5G का है तो इसे आप 5G के सामने वाले सर्कल पे आपको टिक मार्क लगाना है, अगर आपका फोन 4G का है तो आपको 4G के सामने वाले सर्कल पे टिक मार्क लगाना है। इसके बाद आपको नीचे की साइड ये प्रेफर्ड नेटवर्क के टाइप है, आपको नीचे की साइड ये एक्सेस पॉइंट नेम का ये ऑप्शन मिलता है, इसे आपको टैप करना है। अब ये APN का पेज आपका ओपन होगा, APN के इस पेज में आपको सबसे ऊपर ये 3 डॉट का ऑप्शन मिलता है, 3 डॉट पे टैप करना है तो आपका एक छोटा पेज ओपन होगा। इसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ है रीसेट टू डिफॉल्ट, रीसेट टू डिफॉल्ट पे टैप करेंगे तो आपका नीचे लिखा हुआ आएगा रीसेट डिफॉल्ट APN सेटिंग, आप जो है APN सेटिंग को रीसेट कर देंगे तो आपकी जो है स्लो इंटरनेट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब दोस्तों इसके बाद आपको लास्ट और आखिरी प्रोसेस ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट कर देना है। यहाँ पर दोस्तों आपको जरूरत पड़े तभी आपको रीसेट करना है, ठीक है ना, अपने फोन को। यहाँ पर दोस्तों रीसेट करने के लिए मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है, सेटिंग पेज में सबसे नीचे ये सिस्टम का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, इसके अंदर आपको ये रीसेट ऑप्शन का ऑप्शन मिलेगा, इसे टैप करना है। अब इसके अंदर आपको इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन टैप करना है। अब
अब इसके अंदर आपको नीचे इरेज ऑल डेटा पे आप टैप करेंगे तो आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपकी स्लो इंटरनेट की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर सबसे नीचे इरेज ऑल डेटा पे सेलेक्ट करने से पहले आपको जो है मोबाइल फोन में जितना आपका डेटा है जैसे कि फोटो वीडियो जो कुछ भी आपके फोन में वो आपको सारा किसी दूसरे मोबाइल फोन में पहले ट्रांसफर कर लेना है, नहीं तो वो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा और आप उसे बाद में रिकवर नहीं कर पाएंगे। और इसके बाद आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि आपके मोबाइल फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड भी आपको लिख के रख लेना है ताकि आप उसे बाद में लॉग इन कर सके, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको इरेज ऑल डेटा पे सेलेक्ट करने से पहले इन दो बातों का ध्यान रखना है। तो अब मैंने आपको जितने आपको प्रोसेस बता दिया ना, तो ये सारे प्रोसेस अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपकी स्लो इंटरनेट की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी।